हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा मिस। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज की ऑनलाइन क्लास। इस सब्जेक्ट में हिंदी की सब्जेक्ट, ओके। हिंदी के सब्जेक्ट में अपना कौन सा लेसन स्टार्ट था? लेसन नंबर 5, ए तथा ऐ की मात्रा। ये लेसन आपका समझा के भी हो गया था, आपको समझ में आया अच्छे से। उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिखे थे, तो वो भी आपको समझ में आया। तो देखो, अभी एक क्वेश्चन अपना बैलेंस था, मतलब हमने वो पिछले क्लास में नहीं लिया था, वो हम आज की क्लास में लेंगे, ओके। तो उससे पहले जानते हैं हम पिछली क्लास में जो क्वेश्चन आंसर हमने लिखे वो। तो देखो, पहले हमने कौन सा क्वेश्चन लिखा? शब्द बनाकर लिखिए, यानी कि यहाँ पे एक एक वर्ण दिया था हमें, एंड यहाँ पे एक वर्ण, यानी कि उन दो वर्णों को मिला के हमें एक शब्द बनाना था, ओके। हमने पिछले क्लास में किया था, जैसे कि यहाँ पे है भाई, यहाँ पे भाई है और यहाँ पे या, तो ये भाई एंड या दोनों को मैच करना है, पास पास लाना है और उनको मिला के एक शब्द बनाना है, ओके। तो आपने बनाया, तो पहला वाला शब्द कौन सा बना आपने पास? भैया। कौन सा शब्द बना आपने पास? भैया। उसके बाद देखो, ये नए है एंड ये या है, तो नए नए प्लस या नैया, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखना है भैया है नैया। उसके बाद देखो, सैनिक सैनिक, सेवक सेवक, एंड यहाँ पे लिखना सैनिक है सेवक। उसके बाद तीसरा वाला क्या था? कुछ ब्लैंक्स दिए थे हमें, तो उस ब्लैंक्स को कंप्लीट करने थे, जैसे कि पहला वाला किया है कंप्लीट, उसके बाद टू एग्जांपल। तो सेकंड वाला देखो, बल का क्या बनेगा? जैसे कि पहला वाला क्या है? बल बेल बेल है, तो सेकंड वाला बल, बल को हम एक ही मात्रा में लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? बेल। बल को हम एक ही मात्रा में लगाएंगे तो वो बन जाता है बेल, एंड बल को अगर हम एक ही मात्रा में लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? बेल, यानी कि बल बेल एंड बेल। उसके बाद मल, मल को हम एक ही मात्रा लगाते हैं तो वो बन जाता है मेल, एंड म को ही हम एक ही मात्रा लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? मई। तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था, आपने लिखी है टेक्स्ट बुक या नोटबुक में। चलो हम आज की क्लास में इसके आगे का देखते, ओके। तो चलो देखो, सबने पेज नंबर 20 निकाला, तो सामने देखो अभी क्या है। शब्दों को तोड़कर लिखिए, यानी कि जैसे कल की क्लास में हमने शब्दों को जोड़ के लिखा था, पता है ना आपको? ये देखो, ये भाई है, ये या है, तो हमने इसको मतलब जोड़ के लिखा था। तो आज की क्लास में हम शब्दों को तोड़ के लिखते हैं, आज की क्लास में हम शब्दों को तोड़ के लिखते हैं, तो वो कैसे लिखना है वो जान लेते हैं, ओके। चलो सब लोग ध्यान दो, ये देखो पहला वाला शब्द कौन सा है अपने पास? चेतन। पहला शब्द कौन सा है? चेतन। तो अभी ये बताओ कि चेतन में एक ही मात्रा कहाँ पे लगी है? कहाँ पे है? चे में। देखो चेतन, तो ये जो चे है वहां पे हमें कौन सी मात्रा दिख रही है? यहाँ पे ए लगी है, ए, तो ये क्या बन गया? द प्लस ए प्लस द प्लस न चेतन, ओके। तो हम लिखेंगे अभी, चलो लिखो, द प्लस ए एक ही मात्रा, स प्लस ए की मात्रा, उसके बाद प्लस त एंड प्लस न, स प्लस ए की मात्रा प्लस त एंड प्लस न। तो ये आपको बुक में मतलब लिख के दिया है, फॉर एग्जांपल, ओके। उसके बाद देखो सेकंड वाला क्या है? फैसला, फैसला, ओके। तो फैसला, फैसला कैसे लिखते हैं, मतलब फैसला हम कैसे लिखेंगे, उसको तोड़ तोड़ के लिखना है ना। तो चलो देखो, पहले हम लिखेंगे हो गए फ, उसके बाद कौन सी मात्रा बनानी है हमें? ऐ। तो ऐ की मात्रा बनाने के लिए हम कितने मात्रा लगाते हैं? टू। कितने लगाते हैं? टू, ओके। हो गए टू मात्रा। उसके बाद स प्लस स बन गया अपना फाई स। उसके बाद ला भी तो लिखना है ना, तो देखो आप प्लस ल एंड प्लस एक काना, मिलके क्या हो गया अपना? फैसला। ओके फैसला। उसके बाद देखो लालटेन क्या है? ये लालटेन। तो देखो लालटेन कैसे लिखेंगे, तो लालटेन
यहाँ पे ऐ की मात्रा है, दिखी ना आपको? तो देखो अभी हम लालटे लिखते हैं, लालटे। तो देखो लालटे लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे ल प्लस एक का ना प्लस ल लाल, ओके लाल, उसके बाद है टेन, तो कैसे लिखेंगे? प्लस ट प्लस एक का ना प्लस न, ये क्या बन गया अपना लाल टे बन गया। ल प्लस एक का ना प्लस ल प्लस ट प्लस एक का एक क्या मात्रा एक ही प्लस न, ये क्या बन गया अपना लाल टे। तो ऐसे ही आपको अपने मन से कोई भी शब्द दीजिए और ऐसे ही तोड़ तोड़ के बनाइए, ओके? आपको समझ में आया क्या क्या करना है? तो जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिया वैसे ही आप अपने नोटबुक एंड टेक्सटबुक में अच्छे से लिख लो एंड अच्छे से समझ लो कि कोई भी शब्द अपने पास है तो उसको हम तोड़ के कैसे लिखते हैं लाइक दिस एंड उसको हम जोड़ के कैसे लिखते हैं लाइक दिस, ओके? समझ में आया आपको? ये मतलब जुड़े हुए शब्द का टूटा हुआ शब्द कैसे बनाना है और ये टूटे हुए शब्दों का एक जुड़ा हुआ शब्द कैसे बनाना है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये सब आप अच्छे से ध्यान दो और अपने नोटबुक एंड टेक्स्टबुक में लिख लो, ओके? आज की क्लास में हम इतना लेंगे, बाकी की क्लास में मतलब आगे की क्लास में हम अपना